देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर सेंसी न्यूज चैनल से मैं हूं अमीषा पटेल। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी जीआईसी मैदान लखीमपुर में आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गठबंधन महारैली को संबोधित किया, जिसमें उनको सुनने के लिए भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा रहा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारे अन्नदाताओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दोगुना मुनाफा देने की बात कहने वालों ने किसानों को बर्बाद कर दिया, गन्ना भुगतान भी नहीं किया। इनका हिसाब किताब का समय आ गया है। जो चाय वाला बनकर आए थे वह अब चौकीदार बनकर आ रहे हैं। चौकीदार की चौकी छीननी है। नोटबंदी ने सबको परेशान किया। सबसे पैसा जमा कराया उन्हीं के लोग, वो पैसा निकाल कर देश छोड़कर भाग गए। जो आगे होगा अपने आप भर्ती हो जाएगा, कहीं उसे कुछ करना नहीं पड़ेगा। हो सकते हैं मेरे कार्य खड़े हो, कुछ नए लोग ड्यूटी पे आए हो, ये मेरिट वाले भी हो सकते हैं ड्यूटी पे आए हो, ये आसान भर्ती वाले हैं। इसी तरह की व्यवस्था दिल्ली में भी होनी चाहिए, चाहे बहुत हो चाहे पैरामिलिट्री समाजवादी हो, वहां गठबंधन के लोग आएंगे तो वहां भी परेशानी होगी। केवल दम हारना और तौर से दिखा देना अपने आप भर्ती होगी, ये थोड़ा बर्बाद करने जाए। लेकिन सीमा का सुरक्षा कौन करता है? हमारे किसान का बेटा, ये तो केवल राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के लोग, देश की रक्षा पर भी राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के लोग। कहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है इसलिए हमारी सीमा सुरक्षित है। हम आपसे कहना चाहते हैं हमारे नौजवान और जवान जो वहां पर खड़े हैं उनकी वजह से हमारी सीमा सुरक्षित है, बीजेपी की वजह से सीमा नहीं सुरक्षित है। बीजेपी धोखा दे रही है, वो हर बात में धोखा दिया कि नहीं दिया? आज वो 2014 में जो घोषणा पत्र जारी किया था उसके बारे में नहीं चर्चा कर रहे। आज हमें बताए लखीमपुर का कोई किसी की अच्छी दिन आए हो तो बता दो हमें।